तो मैं 5 बार उत्तर प्रदेश चैंपियन रहा वुशू का। वुशू में तो सच में बहुत चोट लगती है, वुशू गेम ही ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट है ना वो। बाकी गवर्नमेंट जॉब तुझे करनी नहीं है, हमने इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि बस बाप कहाँ तक दही तोड़वाए। मैंने कहा चलो ठीक है, जब जॉब करनी नहीं है अपना भगवान कृपा से जब तक खेले अच्छा खेले। कितना खर्चा आता होगा एक रेसलर की डाइट में अगर एक महीने का कम हो? एक महीने का आप चलो तो 20 से 25 हजार का महीने खर्चा है। तो फिर किसी आप जैसे भाई ने बोला कि आप करो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप थिएटर ज्वाइन कर लो। अच्छा, हमारे पिताजी गौ भक्त है, हम हर महीने वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, राधा रानी के जाते हैं, अपना एक आश्रम भी है चूतर टीका के पास गुजर आश्रम, उस वर्जिस का शौक था। उसी वर्जिस से फिर अखाड़े से जुड़ गए, अखाड़े से जुड़ते 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 फिर देखा कि यार पहलवानों को बड़ा नाम होता है, पहलवानी करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है रवि गुप्ता और आज हमारा बातचीत का एक और एपिसोड शुरू हो रहा है। और आज हमारे साथ जो शख्स है वो शख्स जो है नेशनल लेवल के प्लेयर रह चुके हैं और नेशनल लेवल के प्लेयर रहने के बाद अब उन्होंने अपना एक्टिंग में अपना जलवा दिखाना स्टार्ट किया। सॉरी माय बैड, इंटरनेशनल रह चुके हैं। यहाँ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा करेक्ट रखूंगा। और इंटरनेशनल के बाद अब अपनी एक्टिंग का जलवा भी खेल रहे हैं। हाल ही में मैं रिसेंटली यूट्यूब पे एक और TVF पे एक सीरीज देख रहा हूँ, सपने वर्सेस एवरीवन। तो उसके अंदर मैंने हाल ही में इन्हें भी देखा है जो एक बॉडी बिल्डिंग के टाइप से एक डायलॉग मार रहे जबरदस्त था। सो वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सर। सर मुझे आपकी लाइफ जर्नी जाननी है क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेयर से एक्टिंग के करियर में कैसे एकदम? सर इंटरनेशनल में रेसलिंग में जब करता था तो 2019 में मैंने कुश्ती को अलविदा कर दिया था। क्यों? बस ऐसे ही, गवर्नमेंट जॉब मेरे पास आई थी तो पिताजी ने कहा कि गवर्नमेंट जॉब तुझे करनी नहीं है, हमने सिर्फ रेसलिंग कराई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे जॉब के लिए हमने कराई है। तेरा मन था इसलिए तू कर ले। तो मैं 5 बार उत्तर प्रदेश चैंपियन रहा वुशू का, वुशू फाइट लड़ता था मैं, एक मिक्स मार्शल आर्ट होती है वुशू वो भी ना, कुश्ती से रिलेटेड होती है। 5 बार उसका उत्तर प्रदेश चैंपियन रहा, 3 बार नेशनल रहा, नेशनल गेम्स खेले झारखंड में और एक इंडिया कैंप करा भोपाल, एक इंटरनेशनल टूर है टर्की इस्तानबुल का। गवर्नमेंट जॉब आई तो पिताजी ने मना कर दिया, तो फिर मैंने अब वो कह रहे थे अब कब तक दही तुड़वाएगा, मतलब काया शरीर को तुड़वाएगा, अब छोड़ दे। फिर शादी हो गई 2 साल, फिर घर रहने की आदत नहीं थी बचपन से ही, मतलब एक होता ना सुबह उठे मेहनत करिए अपने किसी काम में लग गए। तो फिर उसके बाद पिताजी से मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं रहा जाएगा जैसे और भी सब लोग रहते हैं, कुछ ना कुछ काम तो करना चाहिए। तो फिर किसी आप जैसे भाई ने बोला कि आप करो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप थिएटर ज्वाइन कर लो। और कुछ तो पता नहीं पर आप थिएटर ज्वाइन कर लोगे, एक्टर तो पता नहीं पर आप व्यक्तिगत इंसान अच्छे बन जाओगे। अच्छा, मैं इसलिए ही थिएटर गया था कि इंसान अच्छा बना देता है थिएटर। और कितना बदलाव आया थिएटर ज्वाइन करने के बाद? बहुत बदलाव आ गया। कितना टाइम हुआ थिएटर ज्वाइन किए? मुझे हो गया 3-4 साल हो गए, 4 साल मान लीजिए। अच्छा, बहुत बदलाव है। रेसलर जो होता है उसकी एक छोटी सोच होती है, उसके अंदर देखो सुबह उठे वर्जिश करी, कितने बजे क्या रूटीन रहता है एक रेसलर का, कितने बजे उठना होता है, फिर ये डाइट? मॉर्निंग में उठते हैं वो, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 4-5 बजे उठ जाते हैं, फिर रनिंग करते हैं, फिर डाइट लेते हैं। कितनी रनिंग रहती है? 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, सब अपने हिसाब से लगते हैं। स्प्रिंट मारनी होती है या फिर नहीं? पहले नॉर्मल चलते फिर स्प्रिंट चलती है एकदम। अच्छा, तो मेहनत करी फिर डाइट पिए, डाइट खाया बादाम वादाम पिए, फिर उसके बाद फिर सो गए, फिर शाम हुई फिर मेहनत करी फिर सो गए, मतलब एक समझो एक दायरा बन गया था। अच्छा, एक रेसलर का दायरा बन गया। कितने घंटे का वर्कआउट रहता है कि इतना घंटा? 5 घंटा 4 घंटा। थोड़ा डिटेल में बताया, लेट्स एग्जांपल कि आप सुबह 4 बजे उठे, रनिंग करी, रनिंग करने के बाद फिर आए, फिर अखाड़ा खोला, अखाड़ा खोलने के बाद फिर सीधा, फिर उसके बाद डंड वंड मारी अपना तरीका से, रस्सा वस्सा करे, वर्जिश करी दबा के, साथ और लोग आते थे, उसके बाद फिर अपने हाथों से बादाम बनाए। वो जो आजकल जो वीडियो वायरल होती है राम राम सारे आने जिसके अंदर वो सारी चीजें होती है। हाँ हाँ, वो ही सब। अच्छा, तो बादाम वादाम बनाई अपने हाथों से ही, फिर बादाम पिए भी। हाँ, तो उसमें नॉर्मल आप कुछ भी ले लो 5-4 घंटे आराम से निकल जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर नींद आती है। हाँ, बहुत कड़ाके की नींद आती है। कितने घंटे सोते हैं? दोपहर तक सोते हैं। नहीं मतलब जैसे 4 बजे अगर रूटीन शुरू हुआ है तो आप 10 या 11 बजे पे सो जाते हैं खा के। 10-11 बजे आपको? हाँ, वर्कआउट आपका खत्म और आपको नींद आ रही है और नींद आ गई। फिर बीच में एक बार उठे, फिर खाना खाया दोपहर का, लंच करा। अच्छा, फिर सो गए, फिर शाम को 6 बजे 5 बजे 4 या 5 बजे उठ जाते थे, फिर अखाड़ा खोदा, फिर मेहनत करी, मतलब मेरा कहना मतलब दायरा बन जाता है रेसलरों का, उसी दायरे में वो रहते हैं। उसको नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या चल, अब तो सोशल मीडिया बहुत तेज चल रहा है, पहले तो ये नहीं पता लगता था देश में कैसा धरना चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसी गतिविधियां हो रही है। हाँ, क्या सोशल जो चल रहे हैं, जो एक मुझे लगता है एक आम इंसान को जरूरी बहुत जरूरत होती है उसकी, एक लिमिटेड दुनिया हो जाती है, एक लिमिटेड दुनिया हो जाती है, मुझे लगता है आम इंसान को सब कुछ पता होना जरूरी है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कैसी गतिविधियां हो रही है। तो रेसलर का जो दायरा है ना वो छोटा हो जाता है।
तो फिर जब मैं उससे बाहर आया तो फिर अब किसी ने आप जैसे भाई ने कहा कि थिएटर ज्वाइन करो, एक्टर का तो पता नहीं पर इंसान अच्छे बन जाओगे। मैंने कहा चलो थिएटर ज्वाइन करो, पर थिएटर ज्वाइन करने के बाद पता लगा यार सच में मैं व्यक्तिगत अपने सभी परिवार के लोगों से, अपने भाइयों से, गांव के बस्ती के सभी लोगों से बोलता हूँ कि अपने जीवन में 4 या 5 साल थिएटर को जरूर देना। थिएटर की शुरुआत कैसे करी? चलो आपने कहा कि मुझे मेरे जैसा कोई आपको मिल गया, तो पहला कदम होता है ना कि थिएटर कौन सा चुनना है, कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, पहला दिन कैसा था? मेरा एक दोस्त था नैनदीप, मैंने उससे पूछा, वो करता था थिएटर बरेली से था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे थिएटर ज्वाइन करना है, तो कह रहा भाई आपको लक्ष्मी नगर आना पड़ेगा। तो जब मैं गया तो मैंने कहा नहीं रेसलर है, तो एक लड़कियां का ग्रुप बैठा था, लड़कों का ग्रुप बैठा था, वहां बैठ के रीडिंग होती थी, तो लड़कियां से तो रेसलर का एक बहुत ताल्लुक ऐसा रहता है कि भाई ये लड़कियां यहाँ हैं तो पहलवान कूद के फिर वहाँ हैं, अगर लड़कियां वहाँ हैं तो पहलवान कूद के फिर उस छत के पार है, या फिर उल्टा लड़कियां भी दूर रहती हैं पहलवान? नहीं, पहलवान ही दूर रहता है लड़कियां से, तो उनको वो पहलवान ही दूर रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे एक मैंने बताया एक दायरा छोटा होता है पहलवानों का। अच्छा, वो उसी दायरे में रहना पसंद करते हैं, अखाड़े में रहना पसंद करते हैं, एक लिमिट के दोस्त होते हैं, वो भी रेसलर ही होते हैं। तो ये बताया जाता है कि भाई ब्रह्मचारी बन के रहो, नारियों से थोड़ा दूर रहो, गृहस्थ में अभी नहीं जाना, रेसलर हो तो अभी मतलब एक सोच मानसिकता वो बन जाती है छोटी। अब हाँ मैंने देखा यार सब लोग बैठ के एक साथ रीडिंग करते हैं, कोई एक दूसरे कंधे पे हाथ रख देता है, वो दोस्त के नाते यार अपना रीडिंग चल रही है। मैंने कि यार जेपी ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी यार, पर अब करना भी तो है। तो कितना टाइम लगा कंफर्ट होने में? मुझे कम से कम लग गया था 1.5-2 महीने। अच्छा। मेरे दोस्त ने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम धीरे धीरे धीरे, तो फिर मैं वहां भी एक दायरा बना के रखता था। अच्छा। पर फिर रीडिंग करने लगे, फिर उसके बाद नाटक मिला, तो नाटक मिला तो उसमें कोई पत्नी का रोल कर रही है, तो पत्नी का रोल कर रही है तो उसमें अपनी पत्नी वाला हक तो दिखाओ, पति वाला। अब उसका हाथ पकड़ता था तो बड़ी शर्म आती थी, वो दिखता था साहब कि तुम ड्रामा कर रहे हो, अब रियल तो नहीं दिख रहा हूँ। तो यही चीज था, फिर धीरे 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 अब बड़ा कम्फर्ट हो गया, अच्छा लगा मुझे। तो मैंने कहा यार फिर बहुत कुछ सीखने को मिला, पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, भगत सिंह की बहुत कुछ बातें पता लगी, भगत सिंह जी की कि सच में उन्होंने शहादत क्यों दी थी और उनका क्या कारण था, और मतलब जो चीजें जिनको मैंने नहीं पता था ना वो सब पता लगी मुझे थिएटर से। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि चलो फाइट नहीं, अब रेसलिंग नहीं, अब थिएटर कर लेते? घर वाले तो मुझे मतलब ईश्वर की कृपा है राधा रानी की कि हमें तो घर वालों ने पूरी इजाजत दे रखी है कि आप कुछ भी करो, बस नाम बदनाम मत करना, काम जो भी करो अच्छा काम करना। आपने रेसलिंग एग्जैक्टली सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी और पापा ने बोला कि छोड़ दो? नहीं नहीं, मुझे करते भी मैं 2010 से कर रहा था। अच्छा। 7-8 साल से कर रहा था, ठीक है बस एक कर रहा था, बस करते 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 कह दिया उन्होंने छोड़ दो, अब कुछ और करो। मैंने कहा ठीक है जॉब तो करनी नहीं है, क्यों नहीं तुड़वाए? गवर्नमेंट इसे वुशु नाम से जानती है। अच्छा, उसकी ट्रेनिंग किस तरह से रहती है? बिल्कुल गांव गली में जैसे लड़के लड़ते ना वही है, बस कहानी अलाउड नहीं होती, यहाँ नीचे मारना अलाउड नहीं होता, सब बचता है। तो फिर आपके भी चोट बहुत लगती है? उसी इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि बस आप कहाँ तक दही तोड़वाए। मैंने कहा चलो ठीक है, जब जॉब करनी नहीं है, अपना भगवान कृपा से जब तक खेले अच्छा खेले, अपने प्रदेश के चैंपियन बन के खेले, नेशनल रहे इंटरनेशनल, छोड़ दिया। फिर तो ये वुशु जो फाइट है ये कॉमनवेल्थ या फिर ओलंपिक जैसे? नहीं नहीं, अभी कॉमनवेल्थ में तो नहीं आई, अभी एशियन गेम्स में है। अच्छा। हाँ, उसमें आ गई है। अच्छा। हाँ। तो जैसे विजेंद्र सिंह जिन्होंने जो बॉक्सिंग छोड़ के वुशु फाइट लड़ना स्टार्ट? नहीं नहीं, वो बॉक्सर है, वो प्रॉपर बॉक्सिंग क्वालीफाई लड़ते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक फाइटिंग का मोड चेंज किया था? हाँ, वो शायद वो बाहर से वाली फाइट लड़ते हैं। अच्छा। तो वो वुशु से अलग? नहीं नहीं, वो वुशु से अलग है, गवर्नमेंट है वुशु तो। अच्छा। इसमें गवर्नमेंट ही जॉब देती है। हाँ। और गवर्नमेंट ही ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिली थी तो कौन सी मिली थी? सीआई सब की मिली थी, तो बेल्ट की नौकरी मिलती थी उस टाइम। अच्छा। आईटीबीटी ले लो, सीआई सब की ले लो, किसी की भी ले लो। हाँ। बस पर उसी के बाद थी नहीं करनी, पिताजी ने मतलब भगवान की कृपा है थोड़ा सिस्टम मजबूत है, कहने लगे अपने इसी काम को संभाल लो, नालायक हो, यही बहुत कुछ दे देगी। मैंने कहा ये भी ठीक है, साथ के लड़के थे सब फौज में, वो भी मुझसे कह देते तुम कर नहीं पाओगे। अच्छा। सरल स्वभाव है मेरा, बहुत सरल स्वभाव। अच्छा। मैं लगता है एकदम लंबा चौड़ा हूँ पर बड़ा सरल स्वभाव है, टाइम से रहना, टाइम से उठना, टाइम से बैठना, ना दो किसी को बात कहनी ना किसी की सुननी। अच्छा। तो वो कह रहे थे आप नहीं ले पाओगे, फिर कभी आर्थिक तंगी भी नहीं देखी जीवन काल में। हाँ। ईश्वर की ऐसी कृपा हो गौ माता की, कभी जीवन में आर्थिक तंगी देखी नहीं, तो फिर वही एक कारण था कि कभी जीवन में ऐसी जॉब की जरूरत, गवर्नमेंट जॉब मुझे ऐसा लगता है वो करते जिनको लगता है कि शायद जॉब की जरूरत होती है, ऐसा मेरे विचारधारा है, पर ऐसी कभी तंगी देखी नहीं। तो पिताजी कह रहे अपना इसी धंधे को देखो भाई, जो मैंने करके इतना संभाला है, इतना बड़ा कराया, इतना प्रॉपर्टी इनको संभाल लो, यही बहुत है। अभी क्या बिजनेस है फिर आपका?
अभी मेरा देखो वैसे प्रॉपर तो मैं थिएटर ही करता हूँ अभी हाँ। और वैसे बाहर से अपना थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, गौ माता की कुछ सेवा ले रखी है गौशाला में हाँ। वो अपना कर लेता हूँ ठीक है अभी। मतलब घर का खर्च कैसे चल रहा है, क्योंकि एक लड़के के तौर पे हमारे ऊपर ये चाहते हो ना चाहते हो एक जिम्मेदारी होती है कि मैं घर चलाना है ना। अभी मैंने सेक्टर 18 में क्लब ले रखा है ग्रेविटी नाम से हाँ। तो मैं उस क्लब को चलाता हूँ शाम को। अच्छा, हम तीन पार्टनर है हाँ। और जितना भी उसमें आ जाता है आर्थिक रूप से अपना ठीक है, अपने गौ माता की सेवा हो जाती है और कुछ हमारा चल जाता है, घर वालों को पैसे की जरूरत नहीं, वो कह रहे तो अपना पेट भर ले अपने बच्चों को भर ले वही बहुत है। आप अपने बातचीत के अंदर गौ माता का बहुत जिक्र कर रहे हो, हम गौशाला के अंदर भी बैठे हैं, ऐसा ये कब से आपने स्टार्ट किया, ये बचपन से स्टार्ट हुआ ऐसा? ये मेरे खून में ही है, हमारे दादा परदादा भी भक्ति करते थे हाँ। तो वही उनके फिर हमारे दादाजी के अंदर आई, दादा से हमारे पिताजी के अंदर आई, पिताजी से फिर मेरे अंदर आई। हमें किसी ने नहीं ये नहीं बताया कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, हम अपने पिताजी को फॉलो करते हैं। अच्छा, हमारे पिताजी गौ भक्त है हाँ। हम हर महीने वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, राधा रानी के जाते हैं, अपना एक आश्रम भी है चूतर टीका के पास गुजर आश्रम हाँ। तो हम अब देखो कहते नहीं कि बचपन से कि भाई अपने माँ बाप जो करेगा वो बच्चा वही सीखता है, सही बात। तो हम अपने पिताजी को देखते आ रहे तो हमारे अंदर वही आ गई। अब मैं भी अपने बेटे को लेके आता हूँ तो वो भी गौशाला लेके आता हूँ। अरे बात अगर हमारी गाय और दो भैंस है हमारे दूसरे प्लॉट बन रही है, पर हमने जब भी यहाँ गौ माता की सेवा ले रखी है तो कुछ आपको तो फिर बहुत सारी चीजें पता होंगी गायों के बारे में जो आम इंसानों को नहीं पता होती। कुछ ऐसा होता है कि ये एक साइन लैंग्वेज की इस टाइप से होती है या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग की गायों के बारे में आपको एक नॉलेज बन जाती है ऐसा कुछ? ऐसा देखो जैसे कि हम अधिकतर गौशाला में जाते हैं हाँ, नस्लों की गाय की हमें पता होती है कि ये नस्ल की गाय ज्यादा दूध देती है हाँ। हर तरह की नस्ल की गाय की दूध ज्यादा देती है, पर हमने अधिकतर जहाँ भी जाके हम बीमार गायों की सेवा लेते हैं, हम अच्छा। स्वस्थ गायों की सेवा नहीं लेते। अच्छा, स्वस्थ तो स्वस्थ है ही, उनकी तो सभी सेवा कर रहे हैं, पर वो दूध भी दे रही है, जब आपको दूध दे रही है तो आप खुआओगे भी उनको हाँ। जो बीमार गाय रहती है ना हम उनकी ज्यादा सेवा लेते हैं। एक गाय की डाइट क्या रहती है और लगभग कितना लीटर दूध देती है एक्चुअल में, अगर उसको कुछ इंजेक्शन वगैरह ना लगाया जाए? नहीं, वो दाने के ऊपर फर्क होता है कि हर राज्य का अलग अलग दाना होता है, जिसे हम जलवायु कह देते हैं। अच्छा। जैसे यहाँ का दाना मोटा है, यहाँ का दाना पतला है, राजस्थान का दाना मोटा है, पंजाब का दाना और मोटा मिलेगा आपको, तो वैसे ही गाय दूध देती है। अच्छा, डाइट जैसे माहौल में रहेगी गाय, ठीक है हाँ। एक गिर गाय है उसको तो आप रख ही नहीं सकते, आप चाहे कितने ही आप उसको अपने घर में सुख सुविधा दे दो तो भी नहीं रहेगी वो। अच्छा, ऐसा क्यों? तो वो उसे माहौल में रहना पसंद है हाँ। उसके साथ दो गाय होनी चाहिए और एक नंदी हाँ। और गले में बैल नहीं, उसके गले में वो नहीं होनी चाहिए बेल। अच्छा, वो खाना खाते घूमेगी 10-15-20 बार राउंड मारेगी, नहीं मारेगी ना उसने, अगर आपके पास जगह नहीं है राउंड नहीं मारेगी तो वो बीमार हो जाएगी, वो रूस जाएगी आपसे, दूध ही नहीं देगी। अच्छा, वो गायों में सबसे महंगी गाय है गिर, वो राजस्थान में और आपके गुजरात में पाई जाती है। और अमूमन कितना लीटर अगर मैं पूछूं तो आपसे कि एक इतना लीटर गाय दूध देती है? देखो देसी गाय के नीचे तो हमेशा 8 या 10 लीटर दूध होता है। अच्छा, देसी प्योर देसी गाय के नीचे हाँ। और फिर और उसके ऊपर डाइट के ऊपर, जैसे गिर गाय हो गई, साहिवाल हो गई, कोंकर हो गई, और जो गाय है ये अच्छी अच्छी नस्ल की, आप जैसे इनको खाना दोगे, जैसे इनकी उनको दोगे आप वैसी वो दूध देगी। और इंजेक्शन लगने से कितना? इंजेक्शन लगने से तो मैं देखो मैं ना हमने कभी अपनी गाय के ऊपर यूज किया है ना मुझे इसकी नॉलेज है इंजेक्शन लगने से, पर मुझे नहीं लगता इंजेक्शन से कभी गायों का मुझे लगता है कि दूध बढ़ता है। लेकिन एक हम सबकी जो नॉर्मल वो है वो यही है कि जितने भी लोग मतलब ऐसा आई एम नॉट पॉइंटिंग ऑन यू बट ऐसा लोग कहते हैं कि जितने लोग गाय में पालते हैं वो इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि वो ज्यादा दूध दे। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं, मैं तो अपने जीवन काल में आज आप पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा, इंजेक्शन से अगर गाय दूध देती तो फिर तो बात कुछ और ही होती, डाइट से ऊपर होता है। अगर आप बढ़िया खाना खिलाते हो और बढ़िया सब कुछ रखते हो, बड़ी देखभाल करते हो हाँ। अगर गाय बीमार है तो आप क्या उम्मीद करते हो कि वो दूध दे देगी? आप कुछ सोचो, आपको स्वस्थ आप बीमार हो और आप उम्मीद करते हो कि आप कबड्डी खेल लो, खेल लोगे? आप नहीं खेल पाओगे। इसी तरह से गाय का स्वभाव होता है, गाय बीमार है और आप चाह रहे हो कि वो दूध उतना बराबर नहीं देगी, गाय को पढ़ने के लिए ग्वालिया बनना पड़ेगा, आपको ग्वालिया बनना पड़ेगा, गाय के साथ रहना पड़ेगा, ढंग रहना पड़ेगा, तरीका उसके स्वभाव को जानना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि वाकई में गाय बीमार है। तो फिर इसके पहले इसको स्वस्थ करो, तब जाके वो गाय दूध पाएगी, यानी दूध पे नहीं आएगी वो। मैं आपसे रेसलिंग के बारे में फिर से पूछूंगा, एक मतलब 2010 में आपकी कितनी क्या उम्र रही होगी आपकी 2010 में जब आपने कहा कि मैं भी उस टाइम 20 या 21 साल का था। सबसे पहले मैं वाराणसी गया था, बनारस। वहाँ क्यों? सबसे पहले स्टेट वही हुआ था, कॉलेज की तरफ से गया था मैं। अच्छा, यूपी के से? हाँ, यूपी से। और ये शुरुआत बचपन से नहीं की या फिर बड़े होकर सोचा कि चलो अब रेसलिंग? मेरे अंदर पहले से था, मतलब हम 7 भाई है तो हम 6 भाई जो है वो घर की प्रॉपर्टी और सब कुछ देखते और फैक्ट्री बना रखी है, गत्तों की फैक्ट्री है अपनी, तो उसमें भी काम में लगे हुए। मुझे नहीं लगना था, मैंने कि ऐसे जीवन नहीं मिला, ईश्वर ने जब शरीर दिया लंबा चौड़ा तो कुछ कार्य करेंगे, जीवन जिएंगे अच्छा, ऐसे तो रोटी खा के खाना खा के सभी सो जाते हैं,
तो ये कब से शुरू किया कि चलो अब रेसलिंग करने, कब से माइंड में आया? ये मैं नवोदय कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में था, स्पोर्ट्स सर, सुशील सर हमारे वो है, जिसमें सुशील पहलवान जी भी उसी में पढ़े थे। अच्छा। हाँ, सब जब हमारे जो स्पोर्ट्स के थे वो नवोदय कॉलेज फिजिकल एजुकेशन में था। हाँ। उसी कॉलेज में पढ़ा था, तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग नौजवान आते थे, देखता था मैं उन्हीं को, देख प्रेरित रहता था। कॉलेज मतलब यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है? कॉलेज 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 तो स्कूल लाइफ में क्या कहें, स्कूल लाइफ तो बहुत मैं बड़ा मस्त था उसमें, मैं ऐसे कोई नहीं था कि सपना कोई बनेंगे यार कुछ ऐसे, बस ऐसे था 10वीं 12वीं हो जाए अपना जयराम जी के घर रहेंगे, क्योंकि गाँव का माहौल ऐसा था, सब ताश खेलते थे। मैंने कि चलो यही ठीक है अपना, बड़े पास हो जाए पास हो जाए, भगवान फिर कॉलेज चले गए। जब रेसलिंग का शौक था, मतलब ऐसा कुछ वर्जिश का शौक था, उसी वर्जिश से फिर अखाड़े से जुड़ गए, अखाड़े से जुड़ते 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 फिर देखा कि यार पहलवानों को बड़ा नाम होता है, पहलवानी करेंगे इज्जत होगी, 10 लोगों में जाएंगे तो एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, कुर्सी मिलती है बैठने के लिए, भाई ये मेरा पहलवान है, समाज का नाम रोशन करेगा, उससे जुड़ गए। तो फिर जो 8 साल या 9 साल आपने पहलवानी की 2010 से 2019 तक, तो उसमें एक रूटीन की सुबह 4 बजे उठो, हाँ, उसके बाद 5 घंटे वर्कआउट, ये तो है, मैं ये तो अब भी करता हूँ, मैं सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे, उसके बाद सीधा फिर जिम जाता हूँ, वहीं बगल में अखाड़ा भी है, कभी कभी रास्ता चढ़ जाता हूँ। अच्छा। वर्क ये तो है, आप मुझे किसी रात जगा लो और फिर 4 बजे 5 बजे सुबह देना, फिर 1 घंटे बाद फिर आँख खुल जाएगी। अच्छा। वो तो हो गया, वो रूटीन में आ गया, तो वो तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ मुझे ऐसा ही होता है। अच्छा। सुबह उठना जल्दी, इधर उधर, मतलब फिर अगर नींद नहीं आती फिर 7 या 8 बजे तो ऑटोमेटिक खुल जाती है। और सोते कितने बजे? तो ऐसे ही जाता हूँ, रात को रीडिंग करके सो जाता हूँ, अब थिएटर में आ गए तो अब रात को रीडिंग करने की आदत पड़ गई। तो और पहले? पहले नहीं, तो पहले तो वैसे ही मैं 8:30 9:30 9:30 बजे सो जाती थी। अच्छा। अब 10 या 11 आराम से बज जाते। और अगर गृह जीवन के बारे में आपसे पूछूं मैं, क्योंकि आपने कहा कि आपका बेटा भी है, तो वो कब शुरू हुआ? 2017 में हुआ था, 2017 में हमारी शादी हुई। तो वाइफ ने नहीं कहा कि आप फाइट लड़ते हो, आपको चोट लगती है, ये क्या है ऐसे? नहीं नहीं, वाइफ भी अच्छी ठीक ठाक है हमारी, 5'9" है उसकी हाइट, गाँव से है। अच्छा। वो भी अच्छी कबड्डी प्लेयर रही है अपने समय। अच्छा। उसने कभी ऐसा मना नहीं किया, उसने तो मुझसे और भी कहा था जब मैं थिएटर जा रहा था, कह रहे अच्छा करा तुमने, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अपना जीवन एक नॉर्मल अपना सुबह गए शाम को आ गए जैसे कि और सब चल रहा है, ऐसा नहीं, कुछ अलग करो यार, कुछ ऐसे लगे कि हाँ यार बंदा है कुछ करता है। रेसलिंग में जब आप करते तो क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो एकदम नॉर्मल वैसी फाइट है कि बस कोहनी और वहाँ नहीं मारना और बाकी सब जगह जो भी है चलेगा, तो बहुत चोट लगती होगी, तो कहाँ का चोट लगती है? वुशु में तो सच में बहुत चोट लगती है, वुशु गेम ही ऐसा मिक्स मार्शल आर्ट है ना वो। हाँ। तो उसमें एक एलगार्ड रखता था नीचे, लगता था एक कीट रहता था दांतों में बचाने के लिए, और पंची में रहते थे। हाँ। एक ऐसा कवर होता है वो लगता है। हाँ। और फाइट चलती है दवा के। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चोट लगी आपके? ये मेरे पैरों में ज्यादा लगती थी, क्योंकि वो एकदम पैर जब लगते ना, जैसे कि आपने किक उठाई। हाँ। और मैंने किक उठाई। हाँ। और वो आपने भी राइट उठाई, मैंने भी लेफ्ट उठाई, तो सीधा यहाँ लग जाती ना हड्डियों में, तो फिर बहुत गंभीर चोट लगती थी। सर्दियों में बहुत दर्द होता था। अच्छा। सर्दियों में बड़ी चीखती थी, और जब उस टाइम तो गर्म बॉडी रहती थी, मूव वूव लगा के हो जाती थी, सर्दियों जैसे आती थी ना उसमें बहुत दर्द होता था। तो ऐसा भी रहता था कि मतलब कुछ ज्यादा ही गंभीर चोट लग गई हो? और अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी रेसलर होते हैं उनके कान थोड़े अजीब से होते हैं, कान टूटे रहते हैं, मेरे भी टूटे पड़े हैं मैंने, पर मैं थोड़ा सा दिमाग का इस पर कृपा थी कि दिमाग मेरा सही रहता था, मतलब एक रहती थी कि दूरदर्शिता ठीक थी। हाँ। तो मैं जब कान मोटे हो गए थे मैंने, तो फिर इंजेक्शन से पानी निकलवा लिया था इसका। तो ये कान मोटे क्यों होते हैं? ये कुछ इसमें ना एक पतली सी हड्डी होती है उस। अच्छा। तो वो टूट जाती है जोर करते हुए, कुश्ती करते हुए उसमें जोर लगते हुए, आपको पता नहीं लगता क्योंकि आपकी बॉडी गर्म रहती है। अच्छा। उसके बाद फिर ये मोटा हो जाता है, इसमें पानी भर जाता है। अच्छा। कुछ लोग होते हैं पानी निकलवाते हैं, कुछ नहीं छोड़वा देते, फिर कान मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है फिर वो पक जाता है। अब जवानी में शरीर अच्छा लगता है इसलिए तो कान भी अच्छा लगता है, जब जैसी सर जवानी चली जाती है शरीर ढल जाता है, वो कान वहाँ का वहीं रहता है। अच्छा। तो आपने देखा होगा बाजी लोगों को शरीर ढल जाता है फिर वो कान बहुत मोटा लगता है। हाँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगवाना, तो एक अलग पहचान नहीं देनी थी कि यार कान मोटा है इसका। उसी टाइम मैंने जैसे ही फूल गया था ना, किसी ने सलाह दी कि इसमें इंजेक्शन से निकलवा सकते हो आप। हाँ। और इसको सेक सेक के फिर कुछ सेम वैसे हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको निकलवा लिया था। और ये जो ऐसे कहते हैं कि मतलब कि रेसलिंग के अंदर लोग मतलब जो फाइट लड़ रहे होते हैं वो एक दूसरे का कान भी खा लेते हैं, ऐसा क्या है वो? ये अंदर हमारी नहीं होती थी। हाँ, वैसे वो अखाड़े में हो सकता है, पर बीच में रेफरी होता है, वो खाने नहीं देगा। क्या सच है ऐसा होता है? वैसे वो ही पहलवान करता होगा जब उसको लग रहा है कि तू हार रहा है। अच्छा। ये इसको उसको खा जा या इसके साथ बदतमीजी कर जा, जो कुश्ती इसमें कुश्ती जो है वो टाई हो जाए, ऐसा करना तो नहीं चाहिए। पर हमारी में तो टीट गार्ड है ना, हमारी में तो आप दांत ही नहीं निकाल सकते, हमारी मुंह में वो रहता था कम रहती टीट गार्ड, तो हमारी में नहीं था सिस्टम ऐसा। जैसे रेसलिंग में 2 मिनट का एक वो होता है ना,
इसमें कितने? इसमें भी दो, इसमें दो मिनट और दो मिनट के अंदर आपको उसके हिसाब से पॉइंट लेने। तो पॉइंट का हिसाब कैसे रहता है, क्या क्या फेस पे पंच, ये करो तो फेस पे पंच मारने के ज्यादा पॉइंट मिलते थे। हाँ, फिर छाती पे रखने के मारने जाते फेस पे, वो भी रहता था, इसका भी रहता था। तो फेस पे मारने के अलग मिलते थे, इस पे मारने के अलग। रेसलिंग हमारा एक नॉर्मल गद्दे नहीं होते थे, थोड़े से उठ के गद्दे होते थे। अच्छा, पांच पांच फीट वो स्टेज टाइप, स्टेज टाइप को, तो उसमें होते थे। दो बार अगर एक ही राउंड में दो बार कुश्ती से रिंग से बाहर फेंक दिया तो कुश्ती खत्म हो जाती थी। अच्छा। तो मेरी हाइट ज्यादा थी, मुझे इस बात का बड़ा, क्योंकि मैंने रेसलिंग करी थी गुरु जसराम अखाड़े से, गुरु जी के वहाँ से। तो मुझे थ्रो करने की बड़ी अच्छी वो थी, तो मैं थ्रो करके एक पहली राउंड में फेंक देता था। तो मैं कुश्ती अधिकतर बल से ज्यादा जीत गया, हाइट ज्यादा थी, अच्छी थी, तो शरीर में जान थी, तो अपना वैसे ज्यादा जीत। हाँ, किलो का रहता है कि इतना किलो कैटेगरी 90 प्लस 90, मतलब 90 से अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप एक ही वेट में खेलोगे। अच्छा, चाहे आप 95 हो या 110 हो। हाँ, फिर आप सुपर बेस में, तो आप हमेशा 90। मैं, मेरी हड्डियों में भी इतना वजन था, मैंने एक बार कोशिश भी करी थी कम करने की, पर 96 तक ही आगे रुका था। अच्छा, क्योंकि हाइट 6.4 है, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कम, कमजोरी आ गई थी, मैंने सुपर में लड़ूंगा। अच्छा, तो उसमें फाइट, मतलब उसमें कैटेगरी के अंदर जो कैटेगरी के रेसलर अक्सर ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? कम होते हैं, कम होते हैं। 6.5 फुट के बंदे देखने को नहीं मिलते। हाँ, नहीं नहीं, किलो में तो बढ़ सकते हैं ना। हाँ, किलो में बढ़ सकते थे, पर कम होते थे। अच्छा, 7 या 8 फाइट होते थे। पूरे स्टेट आ रहे हैं, 26 राज्य आ रहे हैं, तो वहाँ से मात्र उसमें 7 या 8 या 10 बेस्ट इतने लोग आते। अच्छा, हैवी वेट कोई कम, बहुत कम आते थे। अगर आ गया तो फिर मेरी बराबर पर्सनैलिटी नहीं थी। अच्छा, हाइट वाइज तो फाइट फायदा मिलता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे हाथ बड़े हैं, पांव बड़े हैं, उसका पंच यहाँ के रुक गया, मेरा पंच सीधा मुंह पे लग गया, तो फायदा होता है। इसका ये भी तो बहुत फायदा होता होगा ना, कि मतलब जैसे अमूमन हमारी आम जिंदगी के अंदर लोगों से ऐसी कहा सुनी हो जाती है ना, मतलब ये होता रहता है। आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के शहर में रहते हो या फिर कैसे भी, तो कहीं ना कहीं आपका छुटपुट झगड़ा हो जाता है ना, ये मेरा नहीं हूँ आज तक। मुझे ईश्वर की कृपा ऐसी इरादा रहा कि मैं मिठारी गांव में रहता हूँ, नोएडा में। मेरा तो मुझसे जो भी आसपास के गांव के लोग मुझे जानते, हमारे परिवार भी बहुत सम्मानित और हम भी बहुत सम्मानित है। तो हमारी तो हमने जो बात कहीं किसी से कही, कायदे की, ऐसी नहीं बिल्कुल एकदम बिल्कुल अर्थी अलग जा रहा है, कायदे की बात की, तो लोगों ने सम्मान करा। तो सामने वाले के मन में एक डर तो रहते हैं ना, यार यार ये बंदा वैसे पावरफुल नहीं। मैं बड़ा सरल स्वभाव का हूँ, मैंने बताया नहीं, मेरे पिताजी बड़े सरल स्वभाव के, हम सबको पता है ये बहुत सज्जन लोग है। हमारे अंदर भक्ति चलती आ रही ना, ये दिक्कत यहाँ है, बदमाशी नहीं है, भक्ति है। पर मैं अगर इसी पॉइंट पे मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप गुर्जर है ना, और अगर एक आम धारणा अगर हम पूछें, जैसे मैंने एक आदि पहले कुछ वीडियोस बनाई थी, हम एक कम्युनिटी बेस्ड वीडियोस बना रहे थे, लोगों से जान रहे थे कि कौन सी कम्युनिटी के बारे में आपकी क्या धारणा है इस टाइप से। तो हमने हर कम्युनिटी पे बनाए थे, बनिया पे, शर्मा पे, जाटों पे, गुर्जर्स पे, ऐसे ऐसे सब पे बनाई थी हमने, एक सीरीज चलाई थी एक जब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। तो जब मैंने गुर्जर पे वो एक वीडियो बनाई, तो एक आम धारणा थी लोगों की, गुर्जर जाट मतलब सिमिलर पर्सनैलिटी होती है एक तरीके से, तो एक आम धारणा थी लोगों की कि थोड़े अड़ियल होते हैं, थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा दूर रहते हैं हम उनसे, थोड़ा सॉरी टू से ये थोड़े इनअप्रोप्रिएट होते हैं, बदतमीजी ज़्यादा करते हैं, लड़कियाँ थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल रहती हैं, इस टाइप की एक बेसिक परसेप्शन है लोगों का गुर्जर के बारे में। लोगों ने धारणा ऐसी बना ली, ये पैसा बहुत होता है तो इज्जत करनी नहीं आती। नहीं नहीं, ये देखो मैं बताऊँ, सिर्फ दूर होते हैं कि महिलाओं से, लड़कियों से। हाँ, तो गुर्जर की यारी तो वाकई में एक शेर की सवारी होती है। गुर्जर से यारी कर लो, रात के 3 बजे फोन कर लेना, अगर आपको खाना न मिले तो बोल। नहीं नहीं, ये भी कोई डाउट नहीं, मैं खुद एक ऐसे कॉलेज, ऐसी धारणा सिर्फ इसलिए बना दी गई कि देखो अब मैं आ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, हमारे मुझे ईश्वर ने कदकाठी दी है, ठीक है, मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ लंबे चौड़े है, अब 4-5 लोग छोटे छोटे मुझसे कदकाठी में, तो वो मेरे बॉडी लैंग्वेज और मेरी कदकाठी को देख के ही समझ लेंगे, यार ये लड़का ना बहुत तगड़ा है, ये इसका स्वभाव ऐसा होगा अमरीशपुरी साहब जैसा। अरे भाई सच में, तो रियल में अमरीशपुरी साहब जैसा करेक्टर करते थे वो, क्या थे ऐसे? आज वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह, आपको पता ही क्या थे, वो बहुत सरल स्वभाव के थे, भक्त आदमी थे वो भी। लोगों ने ऐसी धारणा बना दी, अब बना दी तो बना दी, मैं इसको क्या करूं। हाँ, सच में अब चेंजिंग हो रही है, बहुत चेंज हो रहा है, आपको सबको पता है। हाँ, हमारी जैसी यूनिटी में किसी भी हमारी जैसी कौम में सबसे ज्यादा यूनिटी है। हाँ, और हमारी आप मेरे और मेरे दोस्त है 4-5 पंजाबी है, वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि भाई सच में आप में बहुत एकता है।
हाँ, नहीं उसमें कोई डाउट नहीं है कि, और मैंने अभी जल्दी मेरे दोस्तों में आपस में कुछ बात भी हुई थी, तो रात के 3 मेरा कभी फोन स्विच ऑफ नहीं होता, अगर हो गया तो वैसे हो गया नॉर्मली, या नहीं तो स्विच ऑफ कभी नहीं रखता, ना मैं साइलेंट रखता। रात के 3-3 बजे भी कोई बात होती है मुझे फोन मारते, मैं तुरंत जाता हूँ। रात के 3 बजे सर कोई नहीं चलते देता, मैं घर से निकल के, हम निकल के जाते हैं। उस बात को वो भी कहते हैं यार हकीकत में तुम्हारी तो लोगों ने छवि बना रखी है, सच में गुजर जैसा कोई नहीं है। नहीं नहीं इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब जैसे उस वीडियोस के दौरान जो मैंने इंटरव्यूज किए लोगों के, तो मुझे कई ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कहा कि मतलब पहले हमारा ये वाला परसेप्शन था, और जब हमारे बीच में वो गुजर कम्युनिटी के लोग आए या फिर हम उनके पास गए और जब उनसे हमारी दोस्ती हुई, तो एक फिर वो एक अलग लेवल की दोस्ती है। फिर वो ये नहीं पूछते आपसे कि आप कौन हो, क्या है, किस टाइप से, फिर वो एक जिसे कहते हैं एक्चुअल में दोस्ती, जिसे ये, हाँ, होती है ये होती है दोस्ती, तो वो दोस्ती वही होती है। मैंने बताया ना, अब कदकाठी देखो, अब कोई निकल के आ रहा है, अब मुझसे भी कोई लंबा चौड़ा आ रहा है, बहुत लंबा चौड़ा है, मैं उसे देख के पहली धारणा बना ली यार ये आदमी बेकार होगा। अबे यार हद हो गए, तुम मिले ना कुछ हुए पहली धारणा बना ली, तो गलती तो आपकी है ना, पहले मिलो, बात करो, मुलाकात करो, तब आप बोलना इसके इसके विचार तो सुनो, तब जाके बोलना कि यार ठीक है ये। लड़कियों के मन में, क्योंकि मैंने जितना सुना ना लड़कों के मुंह से, तो सुन लिया अच्छा अच्छा, लड़कियों के मन में अभी भी था यार कि वो अच्छे लोग नहीं होते। लड़कियों से हमारे गुजर को पहले से ऐसी था। हम लड़कियों को ना तवज्जो, मतलब एक लिमिट तक होती है, हम अपनी बहन बेटियों को भी घर में जब रखते हैं ना बहुत तमीज से रखते हैं, हम सोचते हैं हम तमीज से ही बात करें, तमीज ही पा। अभी अभी मतलब जैसे आपने बताया ना कि एक रेसलर ये होता है, उसकी रेसलर अगर मान लीजिएगा कोई गरीब रेसलर है ना, और आपकी जैसी हाइट उसकी नेचुरली आ गई है, और उसको रहता है कि हाँ मैं रेसलिंग करूँ, जैसे अभी जैसे जो वीडियो वायरल होते हैं रामायण सारे, उसका अगर वीडियो का पीछे का बैकग्राउंड देखें तो वो ये दिखाता है कि भाई वो बंदा गरीब उसमें आता है ना, उसके एक 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 जैसे कहते हैं ना कि हाँ उस टाइम स्टैब्लिश परिवार नहीं है, या फिर हो सकता है हो, लेकिन जो वीडियो में पर्सपेक्टिव में दिखता है वो ऐसा लगता है कि हाँ गरीब परिवार से, तो वहाँ पे डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो इतना इतना चीज़ें खाएगा तब जाकर के उसके शरीर को लगेगा, उसके बाद सर जी अब होगी। सच्चाई तो ये है कि अब जिस तरह से महंगाई चल रही है ना, एक तो गरीब घर का बच्चा कुछ कर ही नहीं पाता। सच्चाई मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, दुनिया भर के बादाम चलते हैं, दुनिया भर की डाइट चलती है, दूध दही चलता है। कितना खर्चा आता होगा एक रेसलर की डाइट में, अगर एक महीने का कम तो? एक महीने का आप चलो तो 20-25 हज़ार का महीने खर्चा है। और क्या क्या खाना होता है एक रेसलर? अब पहलो अब बात तो ये आ गई ना, आप तो कंपटीशन भी लड़ना है, उसे सब कुछ करना है, अगर उसे जीतना है नौकरी पानी, तो वो स्टोराइड का भी सहारा लेगा, सारा लेगा वो, ये भी लेगा वो, तो या तो खेत बेचे वो नॉर्मल घर का, मतलब गरीब घर का, जिसने आपने बात की गरीब घर का वाला, या फिर वो करेगा ये। अब पहलवानी हो गई या किसी भी लाइन की, आप किसी भी फील्ड में आओगे, अब बच्चा या तो मध्यम वर्ग का परिवार का हो या फिर बड़े वर्ग का हो, कोई कर पाएगा सर्वाइव, नहीं कर पाएगा। और सरकारी सहायता इसमें कितनी रहती होगी अगर अगर किसी? सरकारी सहायता जब मिलती है जब आप कुछ कामयाब हो जाओगे, अन्य तो उससे पहले जैसे चल रहा है मामला चले दे। सरकारी जब भी मदद करती है, जब दिख रहा है ना हाँ ये हमारा बच्चा निकल रहा है, इसको हाथ पकड़ो उठा लो, तब इसको सहायता देंगे, जब तो हमारा उससे पहले जो कितना बैकग्राउंड कैसे गया है, कैसे बीती रात गई है, कुछ कोई ध्यान नहीं, छोड़ो। रेसलिंग जैसे मतलब क्रिकेट हो गया या फिर इस टाइप की जो गेम्स है, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है ना, लोगों को मन करता है खेलने का। रेसलिंग में अमूमन जिनको जाना है सिर्फ वही जाते हैं, नहीं तो एज सच कोई रेसलिंग टाइप का गेम नहीं खेलता है। हर किसी उसमें संघर्ष होता है सर, मेहनत होती है बहुत जबरदस्त, शरीर तो शरीर लड़ते हैं, दो बदन लड़ रहे हैं आपस में। हाँ। आप देख रहे हो ये कोई क्रिकेट वाला नहीं है, वहां से बॉल पेगी बल्ला लग रहा है, यहाँ भी ये जीदारी का काम होता है। तो ऐसा भी होता है क्या कि रेसलिंग के अंदर जैसे आप लड़ रहे हैं तो लड़ तो प्रोफेशनली लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ एकदम पर्सनल हो गया फिर वैसे लड़ने लग गए? नहीं वो हमारे जो कोच होते हैं वो देख लेते हैं, वो आंखें देख लेते हैं लोगों की। हाँ। ये अब जो कहते हैं ना आंखें के, कहते हैं कि एक बड़ी अच्छी कहावत है कि दुश्मन को देख के आंखों की त्योरी बदल जाती है, तो आदमी को बात याद आ जाती है कि यार इसने हमारे साथ बिगाड़ा, तो आंख अपना बता देती है। हाँ। तो जब अगर कोच बीच में है ना, वो समझ जाता है कि अब ये जोर नहीं कर रहे, अब इनकी आपसी शत्रुता चल रही है, दुश्मनी चल रही है, तो वो हटवा देता है, फिर वो काफी सुनाते भी डांट लगाते हैं, तो आंखें से पता लग जाता है कि अब इनके अंदर खुंदस बन गई। आप अपने बेटे को भी रेसलिंग में कह रहे हैं या फिर वो जो करना चाहे वो उससे, या फिर क्या? मैं कोशिश तो करूंगा राधा रानी कृपा से कि उसको एक वर्ल्ड का अच्छा बेस्ट रेसलर बनाऊं। अच्छा। मेरी वो है कि मैं इसको रेसलर बनाऊंगा, फ्रांस भेजूंगा इसको बढ़िया से। अभी कौन सी क्लास में है, कॉलेज में क्या है? अभी तो वो फर्स्ट क्लास में है। फर्स्ट क्लास में? अभी नाम भी मतलब नरसिंह देव नाम है उसका। अच्छा। वो डीएवी स्कूल में है और फर्स्ट क्लास में है। ये पेरेंटहुड वाली लाइफ और एक रेसलर वाली लाइफ या फिर एक स्कूल वाली लाइफ या फिर एक थिएटर वाली लाइफ, कितना डिफरेंस है चारों लाइफ में? कुछ नहीं, समझने की क्षमता को बहुत बढ़ाती है थिएटर। आपने अपने घर में भी कहा कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, मुझे इतना इतना परिवर्तन हुआ है कि आप भी लोग ज्वाइन करो? मैंने बोला नहीं, उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि सच में आप तो बहुत सारे से परिवर्तन हो गए, पहले आपको बहुत
हर बात में गुस्सा आता था। अच्छा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मम्मी से भी मैं थोड़ा झगड़ लेता था, फिर ये नहीं करा वो नहीं करा, अब बड़ा शांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। अरे हम एक ही हो सकता है, या तो आप कर ले हम कर ले। जैसे भाभी ने बोला हो कि मैं भी थिएटर ज्वाइन कर लूं। नहीं, उसने घर में मतलब हमारी जो बड़ी भाभी है सब मिलके रहते हैं। हाँ। वो उसका घर में अच्छा कट जाता है, मन लग जाता है, 7-8 बच्चे है घर में। हाँ। उन्होंने मुझसे बोला कि आप अच्छी लाइन में आगे थिएटर करो, अपना अच्छा करो, बस आगे गौ माता की कृपा, आगे जो होगा हो जाए, तो अपना चल रही है बड़ा। तो अभी एक ऐसा कोई विजन लिया आपने कि मैं मुझे इसी चीजों में काम करना है, या फिर सिर्फ थिएटर करना है, या फिर मूवीज में जाना है, वेब सीरीज में जाना है? मुझे थिएटर करना है, और थिएटर करके जो अपना दिल्ली से काम मिलता है ऑडिशन से वो काम करना है। हाँ। और दिल्ली में रह के काम करूंगा। हाँ। उससे दो फायदे होंगे, अपने को अपने ऊपर काम भी कर लूंगा थिएटर में रह के, और छोटा मोटा काम भी कर लूंगा, क्योंकि 2000 गौ माता की सेवा ले रखी है, तो मैं घर में मुझे पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। आर्थिक रूप से अपना इधर उधर क्लब चल रहा है, तो अपना क्लब को भी थोड़ा बहुत समय दे देता हूँ। ये तो मुंबई जाने का या फिर ऐसे इधर उधर जाने का? मुंबई में गया था तो मैंने यहीं से ऑडिशन दिया था। नहीं नहीं, एक होता ना प्रॉपर सेटल होना। हाँ नहीं, सेटल नहीं होना था, मेरे पास मेरे एक मित्र है पुरुष भाई है। हाँ। उन्होंने वो मुझे कास्टिंग भेजते रहते हैं, तो वो मुझे ऑडिशन भेजते, मैं यहीं से मैंने ऑडिशन दे लिया था, मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था, बाकी तो करके भी आया। हाँ मैंने देखा। हाँ, तो मैं यही बढ़िया है मेरे पास, मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, राधा रानी कृपा से बड़े सब मेहनती लोग हैं, सब काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। एक चीज पूछनी मुझे इसमें, जैसे आपने बताया ना, एक रेसलर का एक लिमिटेड दायरा होता है ना, और हो सकता है कि कुछ नेचुरल भी होता हो, लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ तो एक्टिंग वाइज में रेसलर का खुल पाना टाइम लेता है, बहुत टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा। तो जब आपने थिएटर ज्वाइन किया और आपको कुछ भी पहला रोल दे दिया गया हो, कि जो भी डायरेक्टर होंगे या फिर जो भी आपके को एक्टर्स होंगे कि आपको ये करना है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट? क्योंकि मैंने भी थिएटर किया, मैंने भी 2-2.5 साल लगभग थिएटर किया, तो मुझे भी पता है कि क्या क्या चीजें थी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत क्या लाइन मिली थी, कुछ याद है आपको? मेरी गगन दमा बाजियों में चैनपुर में मिली थी, तो चैनपुर में था मैं, एक डाकू था, डाकू लाखन सिंह। ये उस समय की बात थी जब अंग्रेजों की रियासत जा चुकी थी। हाँ। तो दिल्ली से फरमान चालू हुए थे कि भाई जो जो रिश्वत खोर है उनको पकड़ना है। हाँ। तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो डाकू लाखन सिंह के नाम से बहुत कांपते थे। हाँ। तो वहाँ मैं डाकू लाखन सिंह बना था, तो एक उनकी जो वहाँ एक बहुत बड़े जमींदार होते हैं, उनकी घरवाली से मेरी बात चल रही थी, तो मैं उन पर लाइन मारता था कि दो नहीं इस बार आपकी भी 5-7 भेजो, एक से काम नहीं चलेगा मेरा। तो वो मेरे लिए मतलब वहाँ का, तो लड़कियाँ पेश होती थी, मैं एक डाकू हूँ और मेरा रुतबा चलता है। हाँ। तो उनका मुझे हाथ पकड़ना था। हाँ। अब वो मैं जब हाथ पकड़ता था, मुझे सच में मेरे अंदर वो रेसलर वाली बात आ जाती थी, वो मेरा हाथ ऐसे से दिखता था कि यार ये मतलब नकली है। हाँ। तो सर ने मुझसे कहा भी था कि भाई अब तो बहुत, तो 3 साल हो गए, आप थोड़ा सा 2-4 महीने हो गए। सॉरी, और डायलॉग डिलीवरी में ये तो चलो एक्शन वाली बात हो गई, डायलॉग के अंदर आता था कि सही बोल रहा हूँ मैं, आवाज थोड़ी सी बेस वाली है, तो उनको लगता था कि इनको हमेशा ऐसे ही कैरेक्टर दिए जाएंगे लंबे चौड़े। तो अगर आपको कभी रोमांटिक कैरेक्टर मिल गया, फिर किस टाइप से रोल प्ले करोगे, ऐसा कुछ? मैं वो तो और ज्यादा टफ होगा, वो तो है, पर मैंने अभी नाटक है सूर्य के अंतिम किरण से लेकर पहली किरण। हाँ। उसमें मैं प्रत्योष का किरदार करा था। हाँ। तो उसमें मेरे किसानी के साथ बड़े रोमांटिक सीन थे, मैंने हालांकि पूरी कोशिश करी थी, सर ने चाहा था, लगभग अच्छा किया आपने। हाँ। और बॉडी लैंग्वेज जो अभी वो है ना कथकाटी, वो बहुत 6 फुट का 4 इंच 117 किलो वजन है। हाँ। 6 फुट 4 इंच की कथकाटी है, तो कह रहे थे थोड़ा सा, एक तो लड़कियां भी आजकल छोटी हो गई, पहले यहाँ तक आती है, तो कह रहे थे बैठ के सीन लिए गए थे, अच्छा लगा था वो देख के, कोशिश करी थी, अच्छा था। पर आजकल सब कुछ लुक वाइज चलता है, तो कहते जैसा तेरी कदकाठी आजकल वैसा ही काम मिलता है, तो थोड़ा अच्छा लग जाता है, पर काम करना है अपने ऊपर इसी बात को लेके, इमोशनल होना। हालांकि एक एक्टर एक जो होता है रेसलर इमोशनल भी होता है, हर छोटी छोटी गतिविधियाँ को वो देखता है, तो उसको बड़ा अजीब सा तो लगता है। एक थिएटर की दुनिया और एक कैमरे के सामने वाली दुनिया में कितना अंतर है? एक मतलब अगर मैं पूछूं कि थिएटर में एक्टिंग करना और कैमरे के आगे एक्टिंग करना, क्योंकि आपने दोनों की है। थिएटर लाउड है, थोड़ा सा लाउड है, मुझे ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि उसके कारण क्या आगे था, मैंने अभी रामलीला में रावण भी बनाऊँ नोएडा स्टेडियम में, तो वो रीज़न ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा अपना अनुभव है कि ऑडियंस दूर है। जब मैं यहाँ ऐसा हाथ हिलाऊंगा जब उनको दिखेगा हाथ हिलाएंगे, जब उनको यूँ कर घुमाऊंगा तो उनको लगता है हाथ सिर घुमाए, कैमरा पकड़ लेता है, वो बारीकी दिखाता है, तो हल्का सा हल्का, बस एक जगह हल्का डाउन करना, एक जगह लाउड करना, इतना अंतर, कुछ भी अंतर नहीं। अच्छा। कहीं आपकी पिच बहुत हाई जा रही है, कहीं पिच आपको बिल्कुल लो करना, क्योंकि
कैमरा में आपको रीटेक्स देने पड़ते होंगे, या फिर हो सकता है कि आपको जहाँ से शुरू किया उसी टोन या उसी पिच में वापस चीजें करनी हो, और थिएटर या फिर रामलीला है वहाँ पे एक वन गो शॉट है। हाँ, वन गो शॉट पे है, पर ये बात सही कहा आपने, वहाँ एक साथ देना वो बांधना सिखाता है। हाँ। थिएटर हो या प्ले हो तो वो बांधना सिखाता है, किस तरह से बांध के आपको पूरा प्ले करना है। लाउड के आपने बोला और ओवर एक्टिंग इसमें ओवर इसलिए बोला क्योंकि मैंने बताया ना, जनता थोड़ी दूर होती है, जनता थोड़ी दूर होती है तो मुझे उनको लगता है ऐसा कि अब इसने हाथ हिलाया है। हाँ। और कैमरा में लाउड नहीं करोगे आप बिल्कुल भी, और रीटेक पर रीटेक तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है रीटेक पे, क्योंकि साथ वाला नहीं, कोई स्टार ने नहीं बोला, कोई एक्टर ने नहीं बोला, तो फिर उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा कि भाई चलो रुको, फिर ये बोलेगा तब वो बोलना, यहाँ थोड़ा सा एक टेक में नहीं है, यहाँ मामला ऐसा होगा कि भाई वन टू करके उसमें बांधना संयम रखना बहुत बड़ी जरूरी है। और साधना मैं तो इसलिए मेडिटेशन भी करता हूँ, साधना भी करता हूँ। हाँ। मैंने इस्कॉन से माला भी ले रखी है, मैं इसलिए साधना भी करता हूँ कि कम से कम अगर किसी चीज में बंद जाऊँ तो फिर बंद जाऊँ। अच्छा। हाँ। कितना मतलब ये रोज बेसिस पे करते हो? रोज बेसिस प्रोसेस क्या रहता है मेडिटेट करने का? और शुरुआत कैसे की? जैसे मैं अगर कहूँ पर्सनली, मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाता है, मैं भी एकदम सरल स्वभाव का इंसान हूँ, भक्ति में भी रहता हूँ, बाकी सारी दिन दुनियादारी भी, ऑफिस वगैरह भी रहता है, लेकिन जब भी बात मेडिटेशन किया तो दिमाग 36 जगह दौड़ जाता है। मैं मेडिटेशन में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करता हूँ, बिहारी जी के मंदिर जाता हूँ, श्री हरिदास संप्रदाय को मैं बहुत लाइक करता हूँ, पर्सनली भी मैंने गुरु दीक्षा कहीं ली नहीं है। मैं जब भी माला लेता हूँ, महामंत्र को मैं करता हूँ, तो मैं सीधा अपने आप को वृंदावन पहुंचा देता हूँ। अच्छा। मन की गति से वहीं पहुंचकर सीधा फिर मैं एक एक स्टेप को याद करता हूँ, किस तरह से मैं वृंदावन गया, कैसे मैंने बिहारी जी के दर्शन करे, आंख खोल के मैं दर्शन करता हूँ बिहारी जी के, कभी भी आंख बंद करके नहीं करता, क्योंकि जब आंख बंद करूंगा तब बिहारी जी नजर आ जाएंगे। तो मैं पहले पूरा बिहारी जी को अच्छी तरह स्पष्ट देखता हूँ। अब मैं मेडिटेशन करने बैठा तो अब मुझे बिहारी जी, मैंने आंख बंद करे, सारे बिहारी जी मुझे सब कुछ दिखाई दे गया, कैसे हमारी राधा रानी रखी है, कैसे हमारी राधा रानी की स्थापना यहाँ है, कैसे बिहारी जी है, कहाँ हमारी तटीय स्थान है, वृंदावन गोवर्धन सब नजर आ जाता। फिर मैं उसी दायरे में पूरी मेडिटेशन करता हूँ, मंत्र चलता रहता है, माला आगे चलती रहती, बीज एक करता रहता है, और मैं वहीं घूमता रहता हूँ जब तक माला नहीं होगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा माला लेता हूँ। मैं 8 या 9-10 माला करता हूँ रोज का, मेरा रूटीन है। अच्छा। इतनी करनी है, फिर मैं पूरे अपने दायरे को वृंदावन बांध देता हूँ कि मैं अब यहाँ नहीं हूँ, मैं वृंदावन में हूँ। ये मेडिटेशन। और आप वृंदावन कितना जाते हैं? हर महीने लगभग, मेरे महीने में तय है, या तो वृंदावन या गोवर्धन या बरसात। अच्छा। मैं इन तीनों ब्रज को छोड़ गया, आज तक गया भी नहीं। कुछ क्योंकि आप इतना जाते हैं, कुछ अलग एक्सपीरियंस आपने महसूस किया है वहाँ पे? वृंदावन मैं आपको बताया ना, वृंदावन एक ऐसा धाम है, मैं तो अपने जैसे मेरे दोस्त कहते हैं ना, चल यार वहाँ चलते है, हाँ कहीं घूमने चलते है, मैं कह रहा हूँ चल वृंदावन चलते, वो कहते हैं यार वृंदावन को हर बार वृंदावन के लिए चलता। मैंने तीर्थों का, जो हमारे तीर्थों का जो राजा है ना, वो प्रयागराज है। हाँ। तो प्रयागराज ने एक दिन मीटिंग बुलाई, सारे तीर्थ पहुंचे, एक वृंदावन नहीं पहुंचा। हाँ। प्रयागराज को अच्छा नहीं लगा, कह रहा भाई मैं राजा हूँ, आप लोग सबको मैंने बुलाया, आप क्यों नहीं आई? कह रहा नहीं आया, मेरा मन है, वृंदावन ने बोला। अब उन्होंने जाके सीधा विष्णु जी श्री हरि से इसकी शिकायत करी कि देखो आपने मुझे राजा बना दिया तीर्थों का, और मैं राजा हूँ, और कोई अगर हमारी आज्ञा नहीं मानता तो बुरा तो लगता है। कह रहा क्या बात, कह रहा बात कुछ नहीं है, आपका धाम नहीं आया वृंदावन, सारे तीर्थ आए। कह रहा हाँ, हिंदुस्तान के, भारत के सारे तीर्थ आए, सिर्फ वृंदावन नहीं आया। तो भगवान विष्णु ने कहा हरि श्री हरि ने कि मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया, वृंदावन मेरा घर है, इसलिए वृंदावन की महिमा सबसे अलग है, सबसे अलग वृंदावन। हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर है शिला प्रभुपाद जी, उन्होंने भी जब अंतिम सांस ली थी वो भी इस्कॉन में ही आके, और मैं उनसे ज्यादा इतना प्रभावित हूँ मैं बहुत ज्यादा। इंसान ना चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को ना वो मरते दम तक कुछ ना कुछ हित के लिए सोचता है कि चलो सही बात, चाहे वो शराबी है, काना है, नंगड़ा, उसको पता है कि ये नलायक है, पर उसके लिए उसका मन में कहीं ना कहीं रहती है क्योंकि वो उसका पुत्र है। शिला प्रभुपाद जी के अंतिम सांस ली जब वृंदावन में, उन्होंने अपने बच्चों को बुला और अपने बच्चों से बुला के बोला कि जो मेरा पैसा है वो तुम्हारा है, मेरे अकाउंट में, जो इस्कॉन का पैसा है, इस्कॉन एक बनाई थी संस्था, ये अमेरिकन संस्था है। हाँ, अमेरिकन संस्था है, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने बोला कि जो इस्कॉन का संस्था है, इस्कॉन का जो पैसा है संस्था में, उसको मत लेना, जो मेरा पैसा है वो आपका है। उनके अकाउंट में मात्र 240-250 ऐसे बताए जाते, कुछ कम पैसे लिख ले, उसमें लिख ले 1000 करोड़। आज वृंदावन में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रभुपाद जी के बच्चों का कोई कहीं नाम नहीं है, सारा सब कुछ समर्पण इस्कॉन को कर दिया। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, अगर वो चाहते तो अपने बच्चों को गोद पद पे बैठा के जाते कि पूरा हिंदुस्तान ही, पूरा वर्ल्ड उनको पूछता, प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कर्म को बड़ा महत्व देते थे,
कि जो भक्ति करेगा, जो कर्म करेगा वो ही आगे जाएगा। बच्चों ने नहीं करी होगी, अब जो भी उसकी कारना रही। इस्कॉन के बारे में मतलब, क्योंकि मैं तो इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ पे जाता रहता हूँ और मेरी भक्ति भी है वहाँ पे, लेकिन अक्सर अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तो इस्कॉन से रिलेटेड कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आप सुनते हो, जैसे कि एक अमेरिकन संस्था है जो अमेरिका जो है US जो है बेसिकली इंडिया के अंदर एक बिजनेस कर रहा है जिसने कई सारे इस्कॉन के मंदिर बना दिए, कम्युनिटी बना रहा है और लोगों की भक्ति के थ्रू वो पैसे कमा रहे हैं। जैसे बैंगलोर इस्कॉन जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पेड मंदिर है, हाँ हाँ। है ना वहाँ पे, क्योंकि मैं बैंगलोर रहा भी हूँ तो मैंने खुद वहाँ पे ये रियलाइज किया है कि जैसे आप दिल्ली के इस्कॉन में, वृंदावन के इस्कॉन में और बैंगलोर के इस्कॉन में, अगर मैं 3-4 इस्कॉन जहाँ पे मैं गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी रियलाइज किया है कि वहाँ पे हर चीज के आपको एक पेड वो है, आरती लेनी है पेड है, हर कुछ करना है पेड है, ये करो पेड है, और बकायदा आपके पास अगर पैसे नहीं है तो QR कोड्स लगे हुए हैं कि आप स्कैन करो ये चीजें, ये तो मैं देखो तो वहाँ पे ये चलता है सोशल मीडिया के अंदर कि US ने हमारी जो इमोशनल टच है उसको पकड़ा है और उसको बिजनेस बनाया है और इस्कॉन के मंदिर खोले ताकि लोग आए, पैसा चढ़ाएं और उनका बिजनेस बढ़े। मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरा एक बड़ा, मैंने बताया मैं बचपन से मेरे अंदर भक्ति थी। इस्कॉन हमारे घर के बगल में है, मैं निठारी से हूँ, ये पूरा इलाका नोएडा पूरा गुजरों से है, तो जब बगल में मंदिर था इस्कॉन तो मैं ही एक लौता हूँ जो अपने गांव से जाता हूँ उस मंदिर में, यानी सब वृंदावन गोवर्धन जाते, मैं भी सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि बिहारी जी जगन्नाथ जी बैठे हैं वहाँ, उनके दर्शन करने जाता हूँ। मेरे अंदर कमी है कि मैं जल्दी कहीं समर्पण नहीं करता। आप भी मुझे कहीं लेके चलो, आप उनको सम्मान करते हो, आप जिस संस्था को पूछते हो अच्छी बात है, मैं भी उनको हाथ जोड़ लूँगा, पर दंडवत नहीं होऊंगा। मैं जल्दी समर्पण नहीं करता और जल्दी समर्पण नहीं करता इसी कारण कि मेरे अंदर मेरी अपनी भक्ति है ना भाई, मेरा पास ज्ञान है, ईश्वर ने मुझे इतने अच्छे बुरा समझने की बुद्धि दी है मुझे। मैं भी इस्कॉन में जब जुड़ा था शुरू में, मैंने भी 4-5-6 महीने इसीलिए लगाई थी कि मैं इसकी नींव को देखूं क्या आखिर क्या है इसका, क्या कारण है। मेरे काउंसलर मिले, लोगों से मिला, बातचीत हुई, तर्क वितर्क हुए, हम थिएटर के लोग हैं, तर्क वितर्क करना हमारा धर्म है भाई, हम कैसे समर्थन कर दे किसी बात को, फाइट के थ्रू वो करते थे, वर्बली करते हैं। हाँ, मैंने तर्क वितर्क न करे तो ऐसे समर्थन जल्दी थोड़ी कर देंगे हम किसी, फिर कौन कहेगा हम एक्टर थिएटर वाले। कृपा जी का मेरा पता लगा, पढ़ा, पता लगा, सबसे पहला अच्छा लगा इस बात की, क्योंकि वो उन्होंने जब आए अपने बच्चों को कुछ नहीं करा, मैंने सबसे अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात बहुत है बड़ी, ये सरल बात नहीं है। धृतराष्ट्र को पता था दुर्योधन गलत है, पर वो कहता था मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, कहते थे वासुदेव मैं अपने मन को कैसे समझाऊं, मुझे पता है कहीं कहीं दुर्योधन गलत करता है, कुछ नहीं कहते पुत्र मुंह, पर वो मुझे लगता सभी के अंदर होता है। प्रभुपाद जी के जो गुरु थे उन्होंने उनसे बोला कि भक्ति फैलानी है, भक्ति आप फैलाओ। उन्होंने कहा आप, मैं क्यों, आपको इंग्लिश आती है और जो भक्तों को इतनी नहीं, और इसकी नींव ऐसी जगह करना कि ये फैले रुके ना। आप सच बताना क्या ये हिंदुस्तान में इसकी नींव करती, क्या आप पाकिस्तान में 8 मंदिर बना देते, क्या बांग्लादेश में बना देते, क्या इस्लाम कंट्री इतनी है क्या वहां इस्कॉन बना देते आप, ये आपका भी मन जानता नहीं बनाता। इसलिए प्रभुपाद जी ने पानी के जहाज में बैठ के 2 बार उनको अटैक भी आया था, 3रे अटैक में वो बच गए थे, तो उन्होंने बोले था अब मैं नहीं रुकूंगा। वहाँ पहुँचे, हिप्पी के लोगों को प्रसाद खिलाया, उनको कैसे भी करके उनको भक्ति में लेके आए, वहाँ नींव गाड़ी, वहाँ भी उन पर केस चला था। अमेरिका पहली हमसे तो बहुत आगे है वो, भारत हिंदुस्तान से, आप वहाँ कुछ भी संस्था लेके जाओगे पहले आपको उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि आप आए क्यों और क्या आपको उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी को वहाँ केस चला, उस केस में प्रभुपाद जी से उनकी डिबेट हुई, प्रभुपाद जी वहाँ जीते, उसी वकील और उसी जज को उनको दीक्षा दी, अपने हाथों से दीक्षा भी दे दी। प्रभुपाद जी ने नींव रखी, इसलिए नहीं रखी कि उनको पूरे वर्ल्ड में फैलाना था। अमेरिका की बात दुनिया सुनती है, आज भी सुनती है, पहले भी सुनती थी। अमेरिका राजनीति, अमेरिका राज करना जानता है अच्छी तरह से सभी देशों के। अब आपको पैसे की बताता हूँ, मैंने बताया ना इस्लाम कंट्री, हर कंट्री में ये, अगर आप पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के मंदिर में जो हमारे इस्कॉन के मंदिर है अगर वहां भी आप जाओगे, वहाँ टोटल जो पूजा कर रहे हैं ना टोटल इस्लामिक लोग, अरे मुसलमान है वो, आज उनका मजहब दूसरा है और वो टोटल भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये सब इस्कॉन की देन है और उनकी दिली इच्छा है। एक बार मैंने कहीं सोशल मीडिया पर पढ़ा था कि वो वृंदावन आना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर हम आए तो वृंदावन, उनके अंदर भक्ति जगी है, वो जानते हैं कि वृंदावन का क्या महत्व होता है, ये सब प्रभुपाद जी की देन। और पाकिस्तान अगर आज भी एक पत्थर भी हटाएगा ना इस्कॉन का तो उसको अमेरिका जवाब देना पड़ेगा, वो तो वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है। तो मुझे, मैं
जैसे कहते हैं गांधी को समझना आसान नहीं, तो गांधी के लिए आपको एक किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, हजार किताब, ये सच बात है। इसी प्रभुपाद जी को समझने के लिए ना आपको कई किताब पढ़नी पड़ेगी, ये सोचती हूँ। ठीक है, फिर अब मैं आपको आपको बताता हूँ कि आप कह रहे थे ना कि इनकी ये पेड़ होता है हर जगह, मैं इस्कॉन रोज जाता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन जाता हूँ। वहाँ पेड़ इसलिए होता है, हम इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जो सिटियों में जा जाके मंदिर खोलती है, और एक मंदिर दूसरे मंदिर को 1-2% ब्याज पैसा देता है। हमारे नोएडा वाले इस्कॉन पे मुंबई के पैसे, मुंबई के जू में जो इस्कॉन मंदिर है उसने पैसे दिए थे कि हम आपको पैसे दे रहे हैं मंदिर बनाओ, वहां से फिर आप कलेक्ट करना, वहां से फिर किसी और को देना, किसी और से किसी और को देना, हमारा पहले ब्याज दो, मूल सहित दो, उसके बाद ऐसे ऐसे इनकी संस्था चलती है। अमेरिका नहीं जाता इसका पैसा। हमारे को दीक्षित जी थे, अब तो वो स्वर्ग अच्छी जगह है, उन्होंने ही कोई बात फैला दी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे होंगे या उन्होंने अफवाह फैलाई है, पर मैं इतना जानता हूं कि कोई महात्मा है, कोई धर्म नहीं है, कोई धर्मराज का अवतार नहीं था कि वो सच ही बोलेंगे। अभी आपने पीछे एक वीडियो देखी होगी कि हमारी जो पशुपालन हमारी पूर्व मंत्री रही थी, शायद अब भी है, मेनका जी, उन्होंने भी वृंदावन पे आरोप लगा दिया था कि यहां से गाय कटती है, तो मेनका जी पे भी नोटिस पहुंच गया था, इस्कॉन वालों ने पहुंचाया कि आप हमें प्रूफ दिखा दीजिए कि वृंदावन में गौशाला में से गाय कटती है तो हम मान जाएंगे। नहीं मान पाया, तो आपसे उनसे उन्होंने विनती करी, आप बहुत कुछ पद पे बैठी हो, आपकी बात सुनते हैं लोग, आप ऐसे बिना प्रूफ करे या किसी के सबूत आए आप ऐसे मत बोला करो। इस्कॉन वर्ल्ड की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, और मैं इस संस्था से बहुत सालों से जुड़ा हुआ, मैंने दीक्षा नहीं ली, पर मेरे अंदर एक कमी है कि मैं बड़ी बारीकी से लोगों में धीरे धीरे अंदर जाता हूँ। सच में ये भक्ति फैलाती है, और आज सनातन धर्म का जितना पूरे वर्ल्ड में जो नाम किया ना, वो सिल्ला प्रभुपाद जी की देन है, नहीं तो सिमट के रह जाता हमारा ज्ञान। मेरा ज्ञान, मैं हिंदू, एक भाई तक पहुंच गया, एक और भाई तक पहुंच गया, आज पूरे वर्ल्ड में डंका बाजना ना, ये इस्कॉन की देन है, प्रभुपाद जी की देन है। और मैंने आपको बता दिया ना पेड़ वाला सिस्टम ये है कि ये जब पेड़ पैसा हो जाता है ना, जैसे मेरे पास कई हजार करोड़ रुपए हो गए, मैं बेंगलोर का मंदिर हूँ, तो फिर मैं बेंगलोर के मंदिर वाला कहेगा एक फलानी जगह मंदिर और खोलेंगे, मैं पैसा दूंगा, मंदिर खुलता है इनका, इनका लक्ष्य है। और प्रभुपाद जी एक ऐसी चेन बना के गई है कि आरएसएस की चेन तो क्या इसके सामने कम होगी, 26-17 इनकी एक यूनिट, एक कमेटी है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, टोटल ब्रह्मचारियों की कमेटी है। कोई भी महाराज, लकड़ी जो पकड़ते हैं उनको महाराज बोलते हैं, कोई भी महाराज किसी भी मंदिर में जाके हस्तक्षेप कर सकता है, ये पूछ सकता है कि हिसाब किताब दे। दो दिन से वो ज्यादा किसी मंदिर में रुकेगा नहीं, दो रात बस, महाराज दो रात से ज्यादा नहीं रुकेंगे। आज वो नोएडा में, कल वो यहाँ से सीधा वृंदावन, वृंदावन से सीधा बेंगलोर। आपकी सेटिंग जेपी से है, पुरुष भाई से नहीं है, फलानी से नहीं है, पुरुष भाई ने आपसे हिसाब किताब मांग लिया, आपको देना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी की चैन थी, प्रभुपाद जी की चैन है, वो भी टोटल 27-28 ब्रह्मचारियों की चैन है। कितना समय हुआ, क्योंकि आप मुझे तो बता पा रहे हैं, इस्कॉन कब से शुरू हुआ होगा और कितना टाइम हो गया? इस्कॉन को मुझे जाते हुए, नहीं इस्कॉन की शुरुआत कब हुई, क्योंकि आप इस्कॉन के बारे में कुछ जानते हैं? 68 में चालू हो गया था, 1968। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी अभी रिसेंटली ही जिन्होंने वो शुरू करवाया? हाँ, प्रभुपाद जी ने एक ऐसी संस्था बना के गई है कि मैं देखो, चोरी तो कहीं नहीं रुक सकती, जहाँ कैश का मामला, मैं ये नहीं कह सकता कि छोटी मोटी चोरी कहीं नहीं होती, पर लगभग ये सनातन, मुझे बस मैं यहाँ खुश हो, 100 बातों की एक बात मैं यहाँ खुश हो जाता हूँ कि ये आखिरकार हमारे बिहारी जी बैठे हैं अंदर, हमारे जगन्नाथ जी बैठे हैं, हमारे गौर निताई जी बैठे, प्रचार अपने धर्म का हो रहा है, और लोग को प्रभावित कर रहे हैं, और लोग आके जुड़ रहे हैं, चाहे पैसा कहीं भी जा रहा हो, चाहे पैसा का, पर नहीं पैसा, मैं ऐसा नहीं कह सकता, मैंने कहीं देखा पैसा हमारा हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में ही, आपका डॉलर कितना बड़ा है, हमारा रुपया कितना हो गया हुआ, तो आप कैसे, अब मैं तो, मैंने तो अब तक, मैं नोएडा जाता रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में लोगों के पास जाता रहता हूँ, अपने मेरे रिश्तेदार रहते हैं, कोई भी मेरे रहते हैं दोस्त, हमारे पास काले लोग आते पढ़ने, अफ्रीका के लोग आते हैं, सोमालिया के आते हैं, केनिया के आते हैं, नाइजीरिया के आते हैं, कभी आपने गोरा आदमी देखा है? नहीं देखे, ऐसा नहीं, बहुत कम देखा होगा अपने जीवन काल में, कि भाई कोई यूएस का है पढ़ने आपके पास, कोई कनाडा का है, कोई नहीं आता, यहाँ काले आदमी आता है अधिकतर पढ़ने, ये बात सच है। हम बीच की माध्यम वाली कंट्री है ना, अच्छा, हम अफ्रीका वालों के लिए तो बहुत बड़ा लेवल है, और गोरों के लिए हम थोड़ा नीचे, अच्छा, तो आप खुद समझिए कि हमारे पैसे वहाँ नहीं, या तो हमारे पैसे नीचे जाए, ऊपर कैसे चला जाएगा? डेवलपिंग नेशन।
ये बात भी। गाइस आज आपने सुना बातचीत का एक एपिसोड जिसमें हम मिले सर से, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे अपने रेसलिंग के बारे में, इस्कॉन के बारे में, गुजर कम्युनिटी के बारे में और भी कई सारे एक्सपीरियंसेस। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी एक नए दोबारा गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।